सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ, जो कि टीचर जॉब के लिए है और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकला हुआ है करीब 4,366 और यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो 10+2 पास आउट करके हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि 10+2 के अलावा भी आपको क्या क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और क्वालिफिकेशन में भी आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये सबको डिटेल हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए दोस्तों। जो ये टीचर जॉब का जो पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे आपको जो टोटल पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4,366 इसका पोस्ट है और इसका जो पोस्ट का नाम रहेगा टीचर प्राइमरी स्कूल में। और इसके अलावा जो इसका कैटेगरी वाइज यदि आपको यदि हम देखेंगे कि इसमें कौन से कैटेगरी में कितना है, तो फर्स्ट अनरिजर्व में 1610 है, OBC में 1286 है, SC में 714 है, ST में 756 है और टोटल इतना 4,366 है। ठीक है, इसके अलावा जो PH है, ठीक है ना, जो हैंडीकैप है उनके लिए भी 474 जो है वैकेंसी निकला हुआ है। बस तो इसके अलावा आप जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो एप्लीकेशन डेट जो शुरू हुआ था वो कब हुआ, 2 जुलाई को शुरू हुआ था। इसके अलावा 30 जुलाई को इसका जो है लास्ट होने वाला है, तो आप आराम से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले जानकारी लेते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें आपको और क्या क्या जानकारी आपको होना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो वैकेंसी है निकला हुआ है, ठीक है ना, जो 4,366 इसका क्वालिफिकेशन पहले तो होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इंटरमीडिएट, और इट इज़ इक्विलेटेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से आपको जो है सीनियर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट में जानकारी लेते हैं कि इसमें 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना, 2 ईयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्विलेटेड और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी कि इसके अलावा भी आपको 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपको टीचर में करना होना चाहिए। ठीक है, कि टीचर का कोई भी कोर्स आपको होना जरूरी है, जैसे कि टेट है, सेट है, ठीक है ना, उस तरह का कोई कोर्स आपको होना जरूरी है। इसके अलावा मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपका 10th स्टैंडर्ड तक आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है वो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज होना जरूरी है। इसके अलावा मस्ट पास हैव इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल। इंग्लिश भी सेकेंडरी, यानी कि जो 10th क्लास तक है इंग्लिश भी आपको सेकेंडरी लैंग्वेज होना जरूरी है, या नहीं तो आपको 10+2 यानी कि जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट में आपको इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज होना जरूरी है। यानी कि जो पहले हिंदी बताया था, हिंदी जो है 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी सेकेंडरी लैंग्वेज मैंडेटरी जरूरी है, या नहीं तो इंग्लिश होना जरूरी है। लेकिन इंग्लिश आपको सेकेंडरी यानी कि जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट में आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, इसका वाला देख लेते हैं कि इसमें 5th पॉइंट क्या लिखा, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड CTET। जी हाँ, यानी कि जो कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसमें आपको कैंडिडेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें सैलरी की बात करते हैं तो 35,400 है, और इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। ठीक है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है वो एक बार जानकारी लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप पहले किस वेबसाइट में जा सकते हैं, www.http://dssbonline.nac.in। दोस्तों इस साइट में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि ये साइट जो है सेफ्टी नहीं है, लेकिन जैसे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा एडवांस में क्लिक करेंगे तब जाके ये साइट ओपन होगा और वहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों यही है इसमें, और कुछ नहीं है। यदि आपको इसके बारे में और कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल के लिए जवाब देने के लिए इंतजार रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।